तो जनाब, मैं हूँ इस वक्त गिलगित के आईयू यूनिवर्सिटी में मौजूद, और ये जो जगह है ये सब्जेजार कहलाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के जो है वो गपशप भी लगाते हैं और खाते पीते भी हैं। और आज जो है वो मेरा जो यहाँ पे मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है वो एक छोटा सा सेशन है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप चेक कीजिएगा कैसा लगता है आपको, और यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगी मैं आपको। मेरा नाम निशा तारपुर है और मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, सिंध का एक ऐसा इलाका जो कि एक समझे गांव है। ठीक है, और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन और उस पर लाइक कोई ध्यान नहीं होता, ना उनको इस चीज़ की इजाज़त होती है कि वो पढ़ सके पाए। तो मैंने जो है वो अपना ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी स्टडीज प्राइवेट की। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा ट्रेंडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, ब्लॉग्स बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान है। और हालांकि मैं मीडिया साइंस की कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि ये सारे गैजेट्स कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने ट्रेवलिंग स्टार्ट की और मैं जो हूँ वो सोलो ट्रैवलर हूँ, मतलब अकेले ही पूरे जीवी में लाइक अभी माशाल्लाह से 4 ईयर्स हो रहे हैं कि अकेले ट्रैवलिंग करती हूँ। और जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे भी अकेले ही ट्रैक्स करती हूँ और उसमें मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरा लिखने की तरफ ध्यान था पहले, फिर मैंने देखा कि जो है वो मीडिया का टाइम है, हर कोई देखना पसंद करता है, तो मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, फिर मैं ब्लॉग्स की तरफ आई। और उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा, मैंने पहले इस रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इतने अच्छे गियर्स होने चाहिए, ये वाला आपके पास कैमरा होना चाहिए, ये वाला ट्राइपॉड होना चाहिए, तो आप इजीली अच्छे से कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हो। तो वो तो जाहिर बात है, जब आप ट्रैवलर हो और दूसरा अपने एक्सपेंसेस खुद से निकाल रहे हो तो आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो अपनी चीज़ें मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज हैं, मैं उनको यूटिलाइज़ करूँगी। अभी तो मेरे पास आईफोन 8 है जिससे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, इससे पहले मेरे पास एक थोड़ा खस्ता सा फ़ोन था, लेकिन मैंने उसी से ही ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए और ध्यान नहीं दिया कि कैसे हैं, बस ठीक है बना रही थी और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के ही एडिटिंग सीखा किस तरह करते हैं, वो खुद से करना शुरू किया। तो अब माशाल्लाह अच्छा चैनल ग्रो हो गया है यूट्यूब का। और दूसरा ये है कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, मैं कहती हूँ बहुत लकी हैं आप लोग कि आप लोगों को ये पता है कि मीडिया साइंसेस जो है वो एक डिग्री है, या वो हम ले सकते हैं, इस पर हम पढ़ सकते हैं। मुझे ये तक नहीं था पता कि मीडिया साइंसेस भी कोई चीज़ होती है या पढ़ने वाली होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर कोई डोनेशन वो किया है, सर्दियों का मौसम आ रहा है इसलिए गर्म कपड़ों का, कुछ ऐसे पीपल गिलगित बल्तिस्तान में है जो बहुत नीडी होते हैं, वो गर्म कपड़े, गर्म ये स्वेटर कोट वगैरह नहीं खरीद सकते, इसलिए हम यहाँ से डोनेशन कलेक्ट करके या पैसों की सूरत में उन तक पहुँचा रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए। हम असल में बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, हमें प्रोजेक्ट में मिला है। अच्छा, ज़बरदस्त। It was a great day at Karakoram International University, Gilgit. मुझे आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और गिलगित की ये यूनिवर्सिटी देख के भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।